हेलो हाय एवरीवन, दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द रिजल्ट नोटिफिकेशन। सो लेट्स डाइव इन। कल से जो है बच्चे लोगों ने तो काफ़ी मेरा स्वागत किया है कमेंट बॉक्स में रिगार्डिंग एम्स रिजल्ट। लेट इट बी, उनका गुस्सा करना वाजिब है। एज पर द नोटिफिकेशन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एम्स, इट वॉज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 4 PM, इवन दो द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड एट द 9:30 PM ऑन येस्टरडे। तो अब बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि रिजल्ट तो डिक्लेयर्ड हो गया है, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे जिनके लिए जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका जो लिस्ट जो आई है, दे आर अनेबल टू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर लिस्ट। सो दैट वी हैड प्रोवाइडेड दैट लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप वहाँ पर जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दोनों लिस्ट दी हुई है आपकी, एक रोल नंबर वाइज और एक रैंक वाइज, आप उसको PDF फॉर्मेट में दी गई है, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस वी हैड प्रोवाइडेड इन द PDF फॉर्मेट, जो कि वहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिली थी। ड्यू टू सम रीजन अगर आपकी वो जो फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है आप अपना डाउनलोड कर लीजिए। ये तो एक नंबर एक प्रॉब्लम रही। दूसरी बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि सर, जो अभी जो राउंड वन की जो काउंसलिंग का अपने को जो लिस्ट जो प्रोवाइड किए हुए हैं, वो किन के लिए और सेकंड के लिए कब आएगी हमारे पास? तो बच्चों, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एम्स चार बार जो है इसको जो है लिस्ट को प्रोवाइड करता है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो अभी आपकी लिस्ट प्रोवाइड गई है, ये जो है आपकी 99% बेसिस पे की गई, जितने भी 99% डायल वाले बच्चे हैं उनके बेसिस पे ये दी गई है। उसके कुछ दिन के बाद जो है आपको सेकंड राउंड की जो है लिस्ट आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने दिमाग में रखनी, चूँकि जिनका फर्स्ट राउंड की लिस्ट आ चुकी है, तो आप ये मान के चलिए बच्चों की 18 जून से जो है आपका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा रिगार्डिंग काउंसलिंग के लिए। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। इवन दो जो राउंड टू की भी जो हम बच्चों बात कर रहे हैं, वो ऑन और बिफोर आपके 18 जून के लिए, देखिए मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, उससे पहले जो है आपकी लिस्ट जो है अनाउंस कर दी जाएगी एज़ पर देयर वैकेंसी। जैसे जैसे उनकी वैकेंसी बढ़ते जाएगी, और अगर उनकी जो उतनी जो 1200 समथिंग जो सीट है, अगर उतनी फुलफिल्ड हो जाती है, तब तो उनको ज़रूरत ही नहीं है आगे अनाउंस करने की। अगर नहीं होती है देन थर्ड फिर फोर्थ, तो अभी तो पहले वो फर्स्ट पे वर्क करेंगे, उसके कुछ दिन के बाद आपकी सेकंड की भी आ जाएगी, ठीक है। अब ये दो बात होने के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में मैं जो बता दे रहा हूँ, खासतौर पे बच्चों के और बच्चों के मम्मी पापा को मैं आपको बता देना चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए, कि सर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चीज़ को लेकर डाउट है कि सर क्या कहते हैं कि हमारे पास सर जब एम्स का 2019 का एडमिट कार्ड लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं आपको एक चीज़ और बताने देना चाहता हूँ। देखिए अभी आप तो सिर्फ 12th पास आउट स्टूडेंट है, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अभी जब आप लोग जब चाहे आपका एम्स में एडमिशन हो, चाहे आप नीट में या किसी भी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे, एट दैट टाइम दे विल कैप्ट योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। तो आपको क्या करना है, कभी भी आप जब इस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं बच्चों, यू ऑलवेज शुड अकेप्ट ऑफ ओरिजिनल कॉपी। आपके पास चाहे वो 10th हो, 12th हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, डेट ऑफ बर्थ हो, अरे आज तो डिजिटल ज़माना है यार, आप लोग तो हम लोगों से ज़्यादा एडवांस हो, टेक अ स्कैन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉपी और उसका जो है आप सॉफ्ट कॉपी बना के रखिए अपने पास, ठीक है। गूगल ड्राइव में तो 2 GB के अपने को डाटा मिलता ही है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप गूगल ड्राइव में उसको सेव करके रखिए। पर चलिए मान लीजिए ड्यू टू सम रीजन आपका किसी डॉक्यूमेंट रह गए, जैसे कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने आपसे एडमिट कार्ड ले लिया, ठीक है, हम वो पॉइंट को हम कंसिडर कर देंगे, क्योंकि भाई वैलिडिटी के साथ आपने तो एग्ज़ाम दिया हुआ है। अभी भी अगर आप चाहें तो कैंडिडेट लॉगिन को अगर करके अपना उसको ले सकते हैं फॉर्मेट का, जिनके पास है वो तो बिल्कुल अपने पास संभाल के रखिए, नंबर एक। दूसरी बात, सबसे जो बड़ी बात है बच्चों की, जो 10th 12th का रिजल्ट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, जब आप एडमिशन लेंगे कॉलेज में तो वो सी कर लेंगे, तो उस समय वो आपके रिजल्ट को रखेंगे, तो उसकी भी आप एक जो है सॉफ्ट कॉपी जो है सबकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी सारी की एक सॉफ्ट कॉपी आप अपने पास से बिल्कुल बना के रखिएगा। अब बच्चे बहुत सारे में ये चीज़ को लेकर डाउट कर रहे हैं, आज एसी भी काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे बच्चे ये चीज़ को लेकर डाउट कर रहे हैं कि सर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो बच्चों, कई एक बच्ची का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हो सकता है दे आर बिलोंगिंग टू रूरल एरिया, दैट्स व्हाई दे डिडंट हैव द बर्थ सर्टिफिकेट, इवन दो दे कैन सबमिट इन द बिहाफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एज योर क्लास 10th सर्टिफिकेट। जो आपका क्लास 10th का रिजल्ट होता है, जैसे कि हम CBSE वाले, तो मुझे तो उसके बारे में मालूम है, जब आप क्लास 10th का रिजल्ट देखेंगे तो देखिएगा बच्चों, आपके ऊपर में ना डेट ऑफ बर्थ दी रहती, क्लास 12th में नहीं दी रहती, जो आपका जो क्लास 10th का जो रिजल्ट यूज होता है इन द बिहाफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बट आपके पास वो होना चाहिए। अब
और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो एम्स 2019 का आपको कॉल लेटर आएगा फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस। अब इसमें बच्चों को फिर एक डाउट आता है कि सर ये कॉल लेटर कैसे आएगा, ये कॉल लेटर आपको जो है एम्स पोस्टल जो है प्रोवाइड नहीं करेगा। जब आपने उस समय एडमिशन में रजिस्टर करा रहे थे ड्यू टू एट द टाइम ऑफ एम्स फॉर्म फिलिंग, उस समय आपने जो भी आपने अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दी हुई थी, कॉन्टैक्ट दिए हुए थे, उसमें आपको जो है मैसेज आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, और उसको जो है आपको प्रिंट आउट करा के अपने पास रखना है। थर्ड वन इज योर बर्थ सर्टिफिकेट, मैंने बता दिया बर्थ सर्टिफिकेट में प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपके पास वो चीज़ हो या ना हो। उसके बाद आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो देखिए आपको बिल्कुल अपने पास रखने ही रखने हैं, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप नहीं रखेंगे तो उसको लेके आप शो अप नहीं कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ और बहुत से बच्चों ने मेरे से क्वेरी की है रिगार्डिंग EWS सर्टिफिकेट का। देखिए जो EWS जो कैटेगरीज के लिए जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ऑल जनरल कैंडिडेट्स, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टू द ऑल स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव टू फॉलो रिगार्डिंग दिस। बट अभी एम्स ने ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया रिगार्डिंग EWS के बारे में। अगर ऐसा कहीं कुछ पता चलता है कि आपका एम्स का अगर EWS के रिगार्डिंग अगर कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको 100% जो है अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा भी जिसकी ST हो SC हो OBC हो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट बिल्कुल आप प्रिपेयर करके रखिए। फिर इसमें एक शब्द आता है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो बच्चे CBSE से बिलोंग करते तो उनको तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों जब आप क्लास 12th को जब पास आउट करते हैं तो आप जब रिजल्ट देने जाते हैं उसके बाद आपको दो चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है CBSE से, एक है आपका पासिंग सर्टिफिकेट, एक है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अदर देन जो आपके जो CBSE जो स्टेट बोर्ड है ICSE बोर्ड है इनको भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड हैविंग अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बच्चों मान लो आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं एंड यू गेट एडमिशन इन एम्स ऋषिकेश और एम्स भोपाल, अब आपकी चूंकि यूनिवर्सिटी चेंज हो जाएगी, आपने जो भी बोर्ड स्टेट बोर्ड से अगर आप पढ़ा हुआ है ठीक है, तो एट दैट टाइम वो वहाँ पर वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है स्टेट अपना गवर्नमेंट लेता है कि भाई आपने जो जहाँ से जो पढ़ाई की हुई है यू आर एप्लीकेबल दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन द रेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया अदर देन डेट जहाँ से आपने खुद वो पढ़ाई की है, इसलिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और आता है दैट यू हैव टू कैप्ट 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब बच्चों जब बात 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की बात होती है तो बच्चों आपको यहाँ पर मेशअप नहीं करने, आपने जो एडमिट कार्ड के टाइम में फॉर्म फिलिंग करते टाइम आपने जो भी आपने फ़ोटो प्रोवाइड की थी उसी फ़ोटो की जो है आप 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो को रखिएगा। बस अभी फ़िलहाल इतना ही है कि ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अक्सर मैंने देखा है बच्चों, देखिए क्या है कि हम और आप तो अपने अपने लिए जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उनके पास काम बहुत ज़्यादा रहता है, उनके पास इतना समय नहीं है आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते और एक अच्छे एस्पिरेंट और आप तो भविष्य में डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो हमको जो है बी प्रिपेयर्ड फॉर योर काउंसलिंग सेशन, तो डॉक्यूमेंट्स को लेके आप जो है बिल्कुल रखिएगा। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दैट यू हैव टू कैप्ट अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है बस इतना ही। इवन दो अभी मैं जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इवन दो यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट एंड फॉर द रिजल्ट, यू कैन फील फ्री टू कमेंट इन अवर कमेंट बॉक्स एंड वी विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन एज सून एज यू कैन। सो दैट्स ऑल, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू स्मैश द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन बाय बाय।